अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पसंदों की रेसिपी बनाएंगे, जिसके लिए हमने पसंदों का गोश्त ले लिया 1 किलो। ये ऐसे पसंदों की बोटियाँ जो होती हैं ऐसे पतली पतली होती हैं, और ये बीच में बूजर अपना भी कट लगाते हैं, उनसे खासकर के लिया जाता है ये पसंदों का गोश्त। तो हमने ये 1 किलो गोश्त ले लिया, इसको मेरीनेट करेंगे आधे घंटे के लिए सबसे पहले। और इसमें जो मसाले जाएंगे, हमने 50 ग्राम चने ले लिए हैं भुने हुए, 85 ग्राम हमारे काजू हैं, 1 चम्मच फुल भर के हमने खसखस का ले लिया है, इसका बारीक हम पाउडर बना लेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 1 चम्मच हमने फुल भर के भुना हुआ जीरा लिया है, 1-1 इंच के 2 टुकड़े हमने ये अदरक के लिए हैं, 6-7 लहसुन की जवे लिए हैं, और 6-7 ही हमने हरी मिर्चें ली हैं, इसका भी ग्राइंडर में डाल के बारीक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने काजू चनों का और खसखस का पाउडर बना लिया है बारीक करके, और ये हमने चटनी भी पीस ली है, ये देखिए। चलिए अब पसंदों को मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पाउडर ही डाल देंगे, और मसालों में हमने ये लिया है, 1 चम्मच हमने नमक ले लिया, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1/2 चम्मच सादी मिर्च है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये भी डाल देंगे हम इसके अंदर। तीन चम्मच हम अपनी चटनी डालेंगे जो हमने पीसी है अभी, और आधी हम ग्रेवी के लिए रख देंगे ये बची हुई। और इसके अंदर हमने ये 100 ग्राम दही लिया था, ये भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। हम मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के और मिला लेते हैं अच्छे बढ़िया करके। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के और मिला लेते हैं, ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से बोलती है इसके अंदर डूब जाए। थोड़ा सा पानी और डालेगा, ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला मिल गया। अब इसके अंदर हम बोटियां भिगोएंगे दोनों तरफ से, अच्छे से मसाला बिठा लेंगे बोटियों के अंदर। देखिए एक एक बोटी उठाएंगे आगे पीछे से, ऐसे करके अच्छे से रखते रहेंगे। सारी बोटियों को हमें ऐसी डिप कर करके और मैरिनेट के लिए रख देना है। हम एक साथ भी डाल सकते थे, ऊपर से भी डाल सकते थे हम बोटियों के अंदर, लेकिन वो अच्छे से मैश नहीं होता उसके अंदर मसाला, तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे अच्छे से दोनों तरफ से लग रहा है। सारी बोटियों को हम ऐसी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सारी बोटियों को हमने टिप करके निकाल लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं ढक के। आइए हम इतने ग्रेवी की तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पसंदों को रखे रखे 1/2 घंटा हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं ग्रेवी बनाना। हमने 2 मीडियम प्याज ले ली है, बारीक कट कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल में ये डाल देंगे। हमने 150 ग्राम तेल ले लिया था सरसों का, इसको अच्छे से गर्म कर लिया, तो इसको गोल्डन कर लेते हैं प्याज को सबसे पहले। देखिए तब तक हमारी प्याज हो रही है, हम आपको मसाले भी दिखा देते हैं। मसालों में हमने 3 तेज पत्ता लिया है छोटा छोटा, 1/2 चम्मच हल्दी लिए, 1/2 चम्मच गरम मसाले लिया है। गरम मसाला हमने अपने पसंदों की मैरिनेट जो किया था उसमें भी डाला था, और मिर्चें भी डाली थी 1/2 चम्मच ही हमने मिर्चें लिए। 1 चम्मच नमक लिया है, नमक भी उसमें डाला था हमने, और 2 चम्मच फुल भर के हमने ये पिसा हुआ धनिया लिया है, 2 मीडियम टमाटर ले लिए हमने, इसका बारीक पेस्ट बना लिया है, और ये चटनी तो आपको बताइए हरी मिर्च और हरा धनिया की जो दिखाई थी हमने आपको, ये भी डलेगी इसके अंदर ही। गरम मसालों में 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 सफेद इलायची है, 5 लौंग लिए हैं, 10 से 15 हमने काली मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच फुल भर के हमने जीरा लिया है। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन कर लेंगे, गोल्डन करके इसको हम सब निकाल लेंगे बाहर, फिर बाद में क्रश करके डालेंगे ऊपर से। और दोस्तों, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है, आपके घर मेहमान आए तो उनके लिए बनाइए, अपने बच्चों फैमिली को खिलाइए। देखिए हमारी गोल्डन प्याज हो गई अच्छे से, अब इसको हम सबको निकाल लेंगे बाहर। देखिए दोस्तों, हमने सारी प्याज निकाल ली है, अब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाले को थोड़ा सा चटकने देते हैं।
अब इसके अंदर ये चटनी डाल देंगे जो आपको दिखाई थी हमने। इसको भून लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। इसके अंदर ही हम सूखे मसाले भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हमें भूनना है जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता, दानेदार नहीं हो जाता मसाला। इसकी असली पहचान यही होती है कि मसाला अच्छे से फट जाता है तो तब समझ लो ये भून जाता है। तो आइए इसको भून लेते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों, हमारे मसाले को भूनते भूनते 2 मिनट हो गए हैं। अभी और भूनना है हमें इसे। ये देखिए कितना अच्छा हो गया। लेकिन अभी इसको 1 मिनट के लिए और भूनना है हमें। अभी आइए, जब तक हमारा मसाला भून गया तब तक हम ये प्याज जो हमने भून के निकाली थी इसको ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडर में डाल के। ये देखिए हमने प्याज को पीस लिया, ऐसा दरदरा पीसा हमने, ज्यादा बारीक नहीं करा। अब इसको हम सालन में डाल देंगे। देखिए दोस्तों, सारी प्याज डाल दी है हमने। अब इसको भी कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। 5 मिनट हो गए मसाले को भूनते भूनते। अब इसके अंदर हमने जो पसंद रखे थे मैरिनेट करके इसको डाल देंगे। इसको आइए इसको मसाले के साथ अच्छे से मिला देते हैं। हम नीचे ऊपर कर देते हैं। देखिए हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया, अच्छे से मिला दिया मसाले के साथ। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे। दोस्तों हमने इसको कढ़ाई में इसलिए बनाया है क्योंकि ये पतली पतली बोटियां हैं, अच्छे से गल जाएंगी इसके अंदर। इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा सालन अच्छे से भून चुका है और बोटियां भी अच्छे से गल गई हैं। अब ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा बहुत हो रहा है। अगर आपको ऐसी खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, और नहीं तो हम इसके अंदर 1/2 गिलास पानी डालेंगे, थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे। 1/2 गिलास हमने पानी डाल दिया। अब इसको 2 मिनट के लिए और बना लेते हैं। फिर देखिए 2 मिनट हो गए बनते बनते। अब इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे और आइए डिश आउट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।